हेलो स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 5 हमारा चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये हमने कर लिए थे। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी, व्हाट इज द गिवन एपी, द गिवन एपी इज 3, 8, 13, 18 लाइक दिस। तो हमें बताना है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। इस एपी की कौन सी टर्म 78 है ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म 8, थर्ड टर्म 13 और फोर्थ टर्म है 18। ऐसी हमें बताना है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। इस एपी की कौन सी टर्म 78 है। तो हेयर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हेयर फर्स्ट टर्म यानी ए इज इक्वल टू 3 एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस मींस डी। तो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे ए टू माइनस ए वन से। ए टू क्या है 8 माइनस ए वन है 3, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 5। तो फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस है 5। तो हमें बताना है इस एपी की कौन सी टर्म 78 है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट इसमें लेट nth टर्म इज इक्वल टू 78। हम मान लेते हैं इस एपी की nth टर्म 78 है एंड nth टर्म इज गिवन बाय an, nth टर्म इज गिवन बाय an, an इज इक्वल टू 78। अब an क्या होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। दिस ए पी इज गिवन और हमें बताना था विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज इक्वल टू 78। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5 और मान लेते हैं nth टर्म है 78। nth टर्म मीन्स ए एन दैट इज 78। ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78 हमें नहीं रखा है। अब ए क्या है यहाँ पर ए है 3 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज। डी क्या है डी इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 78। अब 3 को ट्रांसफर कर लें तो ये हो जाएगा 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 75 और यहाँ पर रह गया एन माइनस 1 इंटू 5। अब 5 को ट्रांसफर कर सकते हैं तो 75 अपॉन 5 और यहाँ पर रह गया n माइनस 1, तो 5 चला गया अपॉन में। तो 5 से डिवाइड करें 15 टाइम्स, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 और n आ गया 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो n की वैल्यू हमारे पास आई 16। मीन्स कौन सी टर्म 78 है, तो देयरफॉर 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 78 और यू कैन से द रिक्वायर्ड टर्म इज इक्वल टू 16th टर्म। मीन्स जो 78 है इस एपी की वो कौन सी टर्म है 16, ये हमें फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एपी है 7, 13, 19 अप टू 205। तो यहां पर बताना है टर्म्स कितने हैं हमारे पास ये। तो हेयर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हेयर फर्स्ट टर्म मीन्स ए दैट इज इक्वल टू 7 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है 13 माइनस ए वन क्या है 7, तो बेटा किया जाएगा 6 के इक्वल। तो फर्स्ट टर्म 7 और कॉमन डिफरेंस है 6 हमारा,
हमें बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, तो लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स, लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये मान लेते हैं जो टर्म्स हैं वो एन है, तो 205 क्या होगी, nth टर्म, दैट इज वी कैन से ए एन इज इक्वल टू 205। मान लीजिए किसी एपी में टर्म्स हों 10, किसी एपी में 10 टर्म्स हों, तो जो लास्ट वाली टर्म है वो कौन सी बनेगी, 10th टर्म। किसी एपी में मान लीजिए 20 टर्म्स हैं, तो जो लास्ट वाली टर्म है दैट इज 20th टर्म। ऐसे यहाँ पर हमने मान लिया लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स, ये मान लेते हैं कि इसमें जो टर्म्स हैं वो एन हैं, तो जो लास्ट वाली टर्म है दैट विल बी nth टर्म। और ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू 205 इज गिवन। अब ए क्या है हमारे पास, 7 प्लस एन माइनस वन, डी है 6 इज इक्वल टू 205, तो 7 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 205, तो 7 माइनस 6 1, तो 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 205, तो 6n इज इक्वल टू, ये उधर जाके लेस हो जाएगा 204, तो n इज इक्वल टू 204 अपॉन 6, तो 6 3 जा 18, 2 बचेगा, 6 4 जा 24, तो n इज इक्वल टू आ गया 34। मींस व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34, यानी इसमें जो टर्म्स होंगे वो 34 होंगे, और जो लास्ट वाली टर्म है दैट इज 34th टर्म, यानी ए 34 क्या है, 205। तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये बन गई हमारी nth टर्म, यानी एन इज इक्वल टू 205। एन का फॉर्मूला लगाए हम, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू 205, वैल्यू पुट करें तो n आ जाएगा 34, तो मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34 इन दिस एपी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी, व्हाट इज द गिवन एपी, 11, 8, 5, 2 and so on. It is the given AP. 11, 8, 5, 2. अब students ये है decreasing AP. जो numbers हैं वो कम होते जा रहे हैं. 11, 8, 5, 2 like this. Here what is the first term? Here first term means A is equal to 11. कॉमन डिफरेंस, मीन्स डी इज इक्वल टू, तो डी निकालते हैं हम ए टू माइनस ए वन करके, ए टू क्या है यानी सेकेंड टर्म, 8 माइनस 11, तो ये आ गया माइनस 3, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, मीन्स इट इज डिक्रीजिंग एपी। तो हमें क्या बताना है इस एपी की, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी, हमें चेक करना है क्या -150 इस एपी की कोई सी टर्म है, क्योंकि ऑब्वियसली जो नंबर्स आगे होंगे वो माइनस के भी आएंगे हमारे पास, तो हमें बताना है क्या -150 इस एपी की कोई सी टर्म है। तो मान लेते हैं लेट nth टर्म of this AP is equal to -150, हम ये मान लेते हैं इस AP की nth term है -150, that is we can say AN is equal to -150, हमें ये check करना है -150 इस AP की term है या नहीं है, तो मान लेते हैं इस AP की nth term है -150, and AN is equal to -150, AN means A plus n माइनस वन इंटू डी
इज इक्वल टू माइनस 150 ए 11 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 11 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 3n, माइनस 3 से माइनस 1 में मल्टीप्लाई करें प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस 150। 11 प्लस 3 हो गया 14, 11 प्लस 3 14 तो माइनस का 150 माइनस 14 और यहां पर क्या आ गया इट इज माइनस 3n, तो माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 164। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, n इज इक्वल टू 164/3, n इज इक्वल टू 164/3। देखिए 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15 1 बचेगा, 3 2 जा 12, फिर हमारे पास क्या बचेगा 3 5 जा 15 1 बचा, 3 4 जा 12 2 बचेंगे बाई 3। देन 54 एंड 2 बाई 3, 3 से डिवाइड किया 164 को, तो 3 5 जा 15 1 बचेगा, 3 4 जा 12 2 बचेगा अपॉन 3। तो n की वैल्यू आई 54 एंड 2 बाई 3, n हमारा ये आ रहा है। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि n की वैल्यू किसी फ्रैक्शन में आ जाए। देखिए जो nth टर्म है यानी माइनस 150 या तो बनेगी 54th टर्म या फिर 55th टर्म या फिर 56th टर्म, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 54 एंड 2 बाई 3rd टर्म इज माइनस 150। जो n की वैल्यू है दैट मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, जो n की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए थी, एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो n वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, तो सिंस वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल तो देयरफोर माइनस 150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द एपी। तो माइनस 150 इस एपी की कोई सी भी टर्म पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी, क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास कैसी आनी चाहिए थी, एक नेचुरल नंबर 54 आ जाता या 55 आ जाता, बट n कैसा आ रहा है, n एक फ्रैक्शन में आ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 54 एंड 2 बाई 3rd टर्म इज माइनस 150, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो माइनस 150 इस ए बी की कोई सी भी टर्म पॉसिबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, किसी ए पी में 50 टर्म्स हैं, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, किसी ए पी में 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच 3rd टर्म इज 12, व्हाट इज गिवन, 3rd टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106 एंड द लास्ट टर्म इज इक्वल टू 106। अब यहाँ पर लास्ट टर्म है 106 और एपी में टर्म्स कितने थे 50 टर्म्स, तो इसका मतलब हुआ जो लास्ट टर्म है वो कौन सी है 50th टर्म है, तो ए 50 इज इक्वल टू 106। देखो एक तो पहले दिया हुआ था एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, किसी एपी में 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म 106 है, तो यदि एपी में 50 टर्म्स हैं तो जो लास्ट टर्म है वो होगी 50वीं टर्म, यानी ए 50 इज इक्वल टू 106। फाइंड द 29th टर्म, फाइंड द 29th टर्म, ए 29 हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट
टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, देन व्हाट इज गिवन, थर्ड टर्म इज 12, यानी ए थ्री इज इक्वल टू 12, ए थ्री मीन्स ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 12, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और हमें क्या दिया हुआ था लास्ट टर्म दैट इज 106। अब क्योंकि ये भी दिया हुआ था कि दैट एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, उस एपी में 50 टर्म्स हैं, तो जो लास्ट टर्म है वो होगी 50वीं टर्म, एंड ए 50 इज इक्वल टू 106, ए 50 मींस ए प्लस 49d इज इक्वल टू 106, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम ए और डी फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो ए यहां पे आ रहा है, ए यहां पे आ रहा है, देन सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो फर्स्ट क्या था a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, तो सेम साइन है, तो कब कटेंगे सबट्रैक्शन पर, तो सबट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, a से माइनस a कैंसिल हो गया, प्लस का 2 माइनस का 49 इट इज माइनस 47, तो माइनस का 106 और प्लस का 12, तो 106 में से 12 लेस करेंगे, 6 में से 2 लेस किया 4, 10 में से 1 लेस किया 9 और माइनस साइन, तो माइनस 47d इज इक्वल टू माइनस 94, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी आ जाएगा 94 अपॉन 47 दैट इज 2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2 हमारा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट क्या था a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, d इज 2, a प्लस 4 is equal to 12, a is equal to 12 minus 4, it is 8, तो a कितना आ गया 8 हमारा। अब हमें निकालना था find the 29th term, now a 29, तो a 29 आएगा a plus 28d, a है 8 हमारा 28, और d क्या है d की value है 2, 8 plus 28 मल्टीप्लाई बाई 2 56, तो इट इज 64, तो देयरफॉर 29th टर्म इज इक्वल टू 64, तो इट इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म को ए मान लें, कॉमन डिफरेंस को डी मान लें, तो हमें दिया हुआ था थर्ड टर्म 12, यानी a3 12 मीन्स a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, एक हमें दिया हुआ था लास्ट टर्म 106 है, अब ये भी हमें हिंट दिया हुआ था दैट एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी 50th टर्म, ए 50 इज इक्वल टू 106 एंड ए प्लस 49d इज इक्वल टू 106, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो ए आ जाएगा 8 और डी आ गया 2 हमारे पास, तो a 29, a प्लस 28d, a 8 है और d है 2, तो 29th टर्म आ जाएगी 64। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हमें बताना है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाई 7, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, The 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7.
एपी की 17th टर्म, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो हमें क्या दे रखा है, 17th टर्म यानी ए 17 एक्सीड्स द 10th टर्म बाई 7, एक्सीड्स द 10th टर्म बाई 7, यानी दोनों टर्म्स का डिफरेंस है 7, 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, इट मीन्स दोनों का डिफरेंस है 7 और इनमें से ग्रेटर टर्म कौन सी है 17, तो वी कैन से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए 17 माइनस ए 10 इज इक्वल टू 7, इट मीन्स 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाई 7, इन 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, ए 17 मीन्स ए प्लस 16d, ए 10 मीन्स ए प्लस 9d इज इक्वल टू 7, तो इट इज ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इज इक्वल टू 7, ए से ए कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d इट इज 70 इज इक्वल टू 7, डी आ गया 1, तो देयरफॉर व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज 1, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1 के इक्वल।